अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल शबीर। एप्पल आईडी, एप्पल आईडी के बिना आपका आईफोन, आपका आईपैड और आपकी मैकबुक, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल अधूरी हैं। बहुत से लोग फ्री एप्पल आईडी बनाना जानते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जिनको एप्पल आईडी बनानी नहीं आती। तो आप किस तरह फ्री एप्पल आईडी बना सकते हैं, वो भी बिना क्रेडिट कार्ड के, आइए सीखते हैं। तो एप्पल आईडी बनाने के लिए आपको एक ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी। आप वही ईमेल आईक्लाउड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक जीमेल की आईडी बना लें अलग से। अगर आपको आईडी नहीं बनानी आती जीमेल की, तो ये लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पे जाके आप सबसे पहले गूगल अकाउंट बना लें, उसके बाद आप एप्पल आईडी बनाना स्टार्ट करें। तो आप में से बहुत से लोग सबसे पहली गलती ये करते हैं कि वो चले जाते हैं सेटिंग में और आईक्लाउड पर क्लिक करते हैं और डोंट हैव पर क्लिक करते हैं, और इसके बाद क्रिएट एप्पल आईडी पे क्लिक करके यहाँ से आईडी बनाना स्टार्ट करते हैं, और आईडी बनाते वक्त वो क्रेडिट कार्ड पर जाकर रुक जाते हैं, उससे आगे आईडी नहीं बना सकते, वहाँ पे जाके वो फंस जाते हैं। तो आपने यहाँ से आईडी नहीं बनानी, इसे कैंसिल करना है। इसके बजाय आपने ऐप स्टोर में चले जाना है, यहाँ पे आपने इस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्लिक करना है क्रिएट न्यू एप्पल आईडी, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपनी आईडी बनाना स्टार्ट करना है और यहाँ पे आपने वो ईमेल देना है जो पहले बना चुके हैं, जीमेल वाला अकाउंट, गूगल वाला अकाउंट या कोई भी आपके पास ईमेल है तो वो यहाँ पे आपने देना है। मैंने ऑलरेडी बना लिया है। इसके बाद आपने देना है अपना पासवर्ड। पासवर्ड की थीम आपने ये रखनी है कि आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल लेटर्स, उसके साथ 1, 2, 3 वाले फिगर्स और उसके साथ एट द रेट ऑफ डैश वगैरह। मैं अपनी थीम में हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल रखता हूँ, उसके बाद स्मॉल लेटर्स और उसके बाद 1, 2, 3 वगैरह और उसके बाद एट द रेट ऑफ इनमें से कुछ भी, और उसके बाद आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और उसके बाद एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस, इसको आपने ऑन कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे अपना अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है। ये भी चीज़ बहुत कीमती है, इसको अपने हमेशा याद रखना है। खुदा ना खासा जब आप एप्पल आईडी भूल जाते हैं तो ये चीज़ वहाँ पे बहुत काम आती है। उसके बाद जो एप्पल अपडेट्स हैं, इसको आप ऑन रखना चाहें आपकी मर्जी, ऑफ करना चाहें आपकी मर्जी, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है, जब आप अपनी एप्पल आईडी सेटिंग में जाके आईक्लाउड में जाके बनाते हैं तो वहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड पर आकर फंस जाते हैं, लेकिन जब आप ऐप स्टोर से बनाते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाती है नन की, आपने नन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी बिलिंग एड्रेस को अपने पूरा करना है। कुछ भी लिख सकते हैं आप, मैं हमेशा लिखता हूँ हाउस, स्ट्रीट, जो भी आप लिखना चाहें, नियर कुछ भी देना चाहें आप, नियर हॉस्पिटल, सिटी जो भी आपकी हो, और पोस्टल कोड आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, वो आपने लाजमी वही देना है जो हमारे पाकिस्तान के हैं। इसके अलावा देंगे तो आपकी एप्पल आईडी आगे नहीं जाएगी। तो मैं दे रहा हूँ 41200। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आप अपने फ़ोन नंबर देना है। कुछ लोग सर्च करते हैं हाउ टू क्रिएट एप्पल आईडी विदाउट फ़ोन नंबर, बहुत गलत करते हैं। आपने अपना फ़ोन नंबर लाजमी देना है, टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए भी और रिकवरी के लिए ये चीज़ बहुत काम आती है। तो यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर आपने हर हाल में देना है, और नंबर देने के बाद आपने चूज़ करना है कि आपको जो मैसेज आना है, जो कोड आना है, वो एज ए टेक्स्ट मैसेज आए या फ़ोन कॉल आए। तो हमने सेलेक्ट कर लिया है टेक्स्ट मैसेज, और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास एक कोड आएगा, ये कोड आ चुका है, ये कोड आ गया, इसको अपने वेरीफाई करना है। अब ये कोड हमारा ईमेल पर जाएगा, वो ईमेल मैंने ऑलरेडी लॉगिन की हुई है, इसमें आ जाएं, यहाँ पे वो ईमेल आ जाएगी। ये हमारे पास ईमेल आ चुकी है, इसमें हमारे पास कोड है, इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और वापस चले जाते हैं अपनी एप्पल आईडी में, यहाँ पे वो कोड देते हैं, ये पेस्ट कर दिया। इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है, इसके बाद आपके ये कोड वेरिफिकेशन में चले गए हैं, वेरीफाई हो रही है, और इस तरह आपकी एप्पल आईडी बन चुकी है। इस तरीके से आप अपनी एप्पल आईडी बना सकते हैं बिना क्रेडिट कार्ड के, बिल्कुल फ्री एप्पल आईडी। ये देखें हमारे पास लिखा हुआ आ चुका है एप्पल आईडी कंप्लीटेड। इस तरीके से आप अपनी एप्पल आईडी बना सकते हैं, बहुत ही आसान काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है। बस आपने अपना एक ईमेल तैयार करना है इस आईडी बनाने से पहले, और अपना नंबर आपने लाजमी देना है, और जिस तरीके से मैंने एंट्रीज की हैं इसी तरीके से आपने एंट्रीज करनी है। इसमें पोस्टल कोड का मसला बन जाता है, क्रेडिट कार्ड का मसला बन जाता है, वो अपने ऐप स्टोर में जाके अपना आप इजीली हल कर सकते हैं। ये एप्पल आईडी आपकी तैयार हो चुकी है, अब आप अपने फ़ोन को अपने फ़ोन में इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, आईक्लाउड यूज़ कर सकते हैं, इसी आईडी को आप अपने आईपैड पर, अपने मैकबुक पर, अपने आईफोन पर, तीनों पर यूज़ कर सकते हैं। किसी भी आईफोन में अपनी ये आईडी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी आईडी बना के इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ भी आप इंस्टॉल करना चाहें तो आप इंस्टॉल इजीली कर सकते हैं। हमारी एप्पल आईडी बन गई है, लग चुकी है, अब हम इसको हम ट्राई करते हैं, कुछ भी इंस्टॉलेशन करके देखते हैं, लाइक फेसबुक, यहाँ पे गेट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपकी जो एप्पल आईडी बनाई है वो मांग रहा है, उसके बाद साइन इन, उसके बाद पासवर्ड देना है आपने,
उसके बाद साइन इन पे क्लिक करना है। ये हमारी आईडी लग चुकी है और ये देखें यहाँ पे कह रहा है इंस्टॉल, जो आईडी हमने बनाई है उसी आईडी के साथ इंस्टॉलेशन शुरू कर रहा है। ये देखें डन, और यहाँ से हमारा ऐप इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। ये देखें यहाँ पे एक ऑप्शन आती है वाली, ऑलवेज रिक्वायर पासवर्ड रिक्वायर आफ्टर 15 मिनट्स। अगर मोबाइल आपके अपने हाथ में है तो आप पहली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर आपने मोबाइल किसी के हाथ में दिया हुआ है तो आप ऑलवेज रिक्वायर, मतलब जब भी कोई ऐप इंस्टॉल हो तो फौरन पासवर्ड मांगे। अगर विद इन 15 मिनट आप कुछ चीज़ें दोबारा इंस्टॉल करते हैं तो वो पासवर्ड नहीं मांगेगा, रिक्वायर आफ्टर 15 मिनट्स। इस पर क्लिक कर दिया। ये देखें जी हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस तरीके से आप अपनी एप्पल आईडी बना सकते हैं बिल्कुल इजीली। अपने फ़ोन पर भी यही तरीका है, आपके आईपैड पर भी यही तरीका है और आपके मैकबुक पर भी यही तरीका है। आप इसी तरह एप्पल आईडी बना सकते हैं ऐप स्टोर में जाके। उम्मीद है आपको ये सारा तरीका समझ आ गया होगा। इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से बिना क्रेडिट कार्ड के फ्री एप्पल आईडी बना सकते हैं खुद। इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाई है आईफोन के टिप्स एंड ट्रिक्स, इसको देख लें, ये भी आपके बहुत काम आएगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ज़िंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामुअलैकुम।